एक बार फिर से के जाने के बाद घर में कचरा नहीं हो रहा है। बाबा ये क्या? तो बस प्रेष्ठा के जाने के बाद घर में कचरा नहीं हो रहा है। बाबा ये क्या? कितना दिन से झाड़ू लेने लगा, बस गैरी बिस्किट मैंने खाया है उसी का सीन है बस अभी बना। सर है क्या गए? ओ सर बाबा अभी सफाई कर्मचारी आए निकल गए। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या करने का है क्या सर? हेलो 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 अभी इसको क्या करने का? लगता है इसका वैलिडिटी अभी और बहुत दिन तक है, या हम नीचे ले जा सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है। सो यूएसए का क्लास गॉट डन। ये टफी का थोड़ा सा जंपिंग सीन पे आज टफी को मैंने पहली बार थोड़ा सा डांटा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। और आज जो है, क्योंकि कल हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बस 100 kg खाना हमने और विकास ने मिलके खाया, और सुक्ति सिर्फ देख रही थी फिर भी उसको प्रॉब्लम हुआ, मतलब सुक्ति को भी, और मतलब क्योंकि बस ओवर ईटिंग कर लिया तो बस धीरे धीरे जो है मतलब खाना निकल रहा है। और आज के लिए नाश्ते के लिए बस इतना सा। अदिति जो है बस परियों की तरह जो है रेडी हो चुके हैं, उसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अदिति, हैप्पी बर्थडे। अरे गजब क्या बात है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज माय गोप्रो हीरो 7 ब्लैक एंड दिस इज द GoPro Max 360 डिग्री कैमरा। अभी इसमें देखते हैं कि हाउ डज दिस विल वर्क, एंड काफ़ी दिन के बाद मोटो ब्लॉगिंग। ये सिंगापुर गए, सिंगापुर से घूम के आए, ऐसे कहानी में थोड़ा वक्त लग गया, एंड इन जनाब के साथ देखते हैं क्या किया। सिंगापुर से घूम क्यों आया? सो दिस इज़ अ रिप्लेसमेंट, इसमें कुछ एरर हुआ था तो कंपनी जो नया देती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो नो रिपेयर। इतने छोटी चीज़ को क्या रिपेयर करेगा? और इसमें पार्ट भी ज्यादा नहीं है, एक मदरबोर्ड ही रहता है छोटा सा, तो मतलब एक गया तो फिर गया, मतलब मदरबोर्ड गया तो गया ना। सो गाइस, काफी दिन के बाद मैं बोस का फ्रेम पहन रहा हूँ। मैं बस विकास भाई को अपना जो है थोड़ा सा गैजेट दिखाने के लिए आया था, बताने के लिए आया था ऑल दिस थिंग वर्क, एंड आज मैं GoPro यूज करने वाला हूँ, GoPro Max। ओके सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। एंड अभी मैंने अपना हीरो 7 में लगाया, उसका बैटरी का मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कुछ इश्यू है, और आपको देखो यहाँ मेरा मुंह ऐसा हिलता हुआ दिखेगा, पापा पापा पापा। तो आज अदिति का क्योंकि बर्थडे है तो आज इसलिए अदिति क्लास नहीं कर रही है, तो हैप्पी बर्थडे वाला सीन चल रहा है। और अदिति के लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है, यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि विकास को पता चल जाएगा, तो और कुछ इमॉर्टल गिफ्ट लेना। सो यो इमॉर्टल, बाकी सब तो बढ़िया है, तो बस अभी कटने का रही बाबा। चलो सर, सो क्लास का टाइम हो गया। अरे बाबा चला जाए रे बाबा। सो दिस इज GoPro Max, आई जस्ट गॉट इट यू नो यस्टरडे, टू चेक इट आउट कि हाउ इट इज़ वर्किंग, बिकॉज इसमें 360 वाला चीज़ भी है, दोनों चीज़ें। और शुड आई वेट फॉर यू नो काम, मतलब थोड़े दिन तक वेट कर लूँ, क्या करूँ कैसे करूँ वो थोड़ा सा देखना होगा। आई होप कि कैमरा एंगल इज ओके, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो शायद कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट। हर हर महादेव। तो यो काफ़ी वक्त के बाद इस तरीके से मैं जो है ये कैमरा चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे हीरो 7 में इशू हुआ था, हालांकि वो रिप्लेस होकर आ गया, स्टिल आई एम थिंकिंग कि इसके बैटरी में कुछ इशू है, क्योंकि वो थोड़ा सा सूज भी गया है बैटरी। तो ये रहा हमारा ऑफिस का पार्किंग एरिया। और ये रही मल्लिका, यू आर ऑन माई व्लॉग, मोटो व्लॉग। See, my student, she is already there before time, which is a good thing. Before time, nahi, actually, she is on time. I am a bit late. The only one hard working
human being in our Soulful Music Academy is Ashvik. Thank you so much. On my demand, you know, he got me this ukulele. And now I think he is in the mood to set up the notation and rest of the stuff. Kya baat hai? Kya baat hai? Aajo, aajo, aajo. देख लो अब वो नोटेशन स्टैंड के साथ ये नोटबुक सेटअप करेगा. क्या बात है, इस उम्र से अगर ये इतना मेहनती है तो आगे क्या करने वाला है. देख लो उसमें लिखा भी हुआ है बेस्ट सन. तो संजय जी ये गोप्रो जो है वापस हैंग हो रहा है. आई डोंट नो, आई गेस इसमें बैटरी इश्यू है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आपके पास अगर बैटरी है तो हमें प्लीज़ बताइए. देखो इधर से ऑन ही दिख रहा है लेकिन स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है. ये तो नया यूनिट आया है, क्या करने का है बताइए अभी. सो ऑलराइट गाइस, दिस इज अ डेट एंड टाइम विच इज़ टू बी मार्क्ड. 3:28 PM, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इज़ फेयर एंड द एयर क्वालिटी इज़ 307, वेरी पुअर. 23 जनवरी 2021. नमस्कार था मंत्र आज अभी हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं, गीत ऑडियो क्राफ्ट जा रहे हैं. यहीं पर हमारे जिंदगी का पहला रिकॉर्डिंग हमने किया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर विद कृष्णा बेवरा एंड अन्वेशा एज वेल. सो अभी मैंने महादेव के समक्ष यहाँ पर बैठ के भी गाया गाना, दो चार बार प्रैक्टिस किया ट्रैक के साथ. एंड बस मैं क्या बोलूँ, ये ट्रैक अब मतलब आज ही नहीं हमारे मृत्यु तक और इस ये इस पूरे विश्व के लिए ये एक बस मैं नहीं मतलब महादेव ने एक ब्लेसिंग दिया जो कि मैनकाइंड फॉर दिस होल मैनकाइंड. ये एक छोटा सा चीज़ बस हमारे नाम को जुड़ते हुए महादेव के कृपा से ये एक चीज़ रहेगा आज से समय के अंत तक. आई एम डैम श्योर कि यू गाइस विल लव इट एंड मे दिस मंत्र यू नो द विजन बिहाइंड दिस मंत्र इज कि पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग अब तो हो ही जाएंगे कुछ दिन में तो 700 मतलब 800 करोड़ लोग जो हैं बस सकारात्मक सोच के साथ रहें और अपने ज़िंदगी में बस मोटिवेटेड रहें और आगे बढ़ें. सकारात्मक सोच और संगीत मय जीवन हो यही है. और जितने लोगों को मंत्र नहीं मालूम है नमस्कार था मंत्र यू नो लिखिए, उसके मतलब को समझिए और फिर सुनिए इसके म्यूज़िक को जो है मैंने यू नो यूथ को मद्देनज़र में रखते हुए यू नो एक डायरेक्शन किया है. एंड रॉयल एनफील्ड को कॉल करना. एलेक्सा स्टॉप. तो यस यूथ को मद्देनज़र में रखते हुए एंड ऑल्सो यू नो थोड़ा सा अभी मैंने कुछ भी यू नो मंत्र और इन सब चीज़ों में हालांकि ये संस्कृत में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई विल बी सिंगिंग इन संस्कृत. आई नेवर थॉट कि एट द एज ऑफ यू नो 26 यू नो आई जस्ट कम्प्लीटेड 26 मुझे मतलब ये ऐसा संस्कृत भी गाऊंगा. आई वॉज नेवर यू नो गुड इन इवन इन हिंदी बट यू आर नो आई लव संस्कृत यू नो आई कीप मरमरिंग थिंग्स. ओके सो चला जाएगा इस लेट्स गो फॉर इट. जानवी हमारे साथ है. जानवी तो हमारे साथ ही रहते हैं ऑलमोस्ट यू नो सारे रिकॉर्डिंग में. शायद ही पिछला कोई गाना होगा जिसमें नहीं होंगे, मतलब तुझसे मिलके बाबरा में नहीं होंगे, शोलो से बरा में नहीं होंगे, हे राम में नहीं थे, रब से ये में नहीं थे, बराबर. बस उसके बाद सब में बराबर. खुशनुमा में है, तेरे बिन बंजर में, कैदो ना प्यारे में नहीं थे, कैदो ना प्यारे में निखिल गया था साथ. सो यो ऑल सेट, ओम नमः शिवाय, ब्लेस मी. आप जब तक ये ब्लॉग देख रहे हैं तब तक तो रिकॉर्डिंग हो चुका है बट स्टिल ब्लेस मी. ओम नमः शिवाय, लेट अस गो. जाते वक्त अभी क्या है, रिप्लेसमेंट यूनिट वाला जो गोप्रो है वो अपना देख लिया हमने और दिस गोप्रो मैक्स को भी यूज़ किया. दिस इज़ ऑल्सो वेरी फाइन. मैं आपसे क्लिप शेयर कर पाऊंगा या नहीं ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक मैंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाया उसे. अभी नए रिप्लेसमेंट यूनिट में भी जो है थोड़ा इश्यू हो रहा है, इसका मतलब बैटरी का शायद कुछ इश्यू है, वो देख लेते हैं. अभी ड्रॉप कर देंगे गोप्रो को, संजय जी से बात हो गई है तो चला जाए. लेट इस गो, आई विल बी गोइंग बाई कार. अभी ऐसे मैं बाइक से आया हूँ, खाना नहीं खाया है, बस वही ब्रेकफास्ट जो किया है क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा खाया ही था तो ऐसे भी थोड़ा लाइट रह के ही गाने का, थोड़ा पानी पीने का. गर्म पानी रखिए ना, पूरा गर्म, सारा गर्म. हाँ परफेक्ट. तो
यस चला जाए, अभी घर जाएंगे, घर मतलब कि सिर्फ कार लेने के लिए जाएंगे। और ये इधर का लाइट ऑन रह गया है, पानी नहीं कोई बात नहीं, पानी और लाइट का ताकि याद रहे, लाइट बंद करना और ये भी बंद करना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो यो लेट अस गो। सो ऑलराइट गाइस, इससे पहले मैंने जो है वो क्या बोलते हैं येलो वाला मास्क पहना था। येलो वाले मास्क में मुझे बहुत ज्यादा अजीब ही, मतलब वो या तो छोटा मास्क है मेरे मुंह के हिसाब से कंपेरेटिवली, पर ये मैंने उल्टा पहना सीधा पहना कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 से 15 मिनट हम लोगों को लिफ्ट के लिए वेट करना पड़ा। बाजू वाला लिफ्ट जो है वो चालू नहीं हुआ, ये वाला लिफ्ट चालू हुआ। तो भाई पढ़ दो 4 बजे का टाइम था सुना स्टूडियो पहुंचने का, 3:46 हो गया, कोई नहीं 4:30 में सेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और हमारा कॉम्बिनेशन देखें तो ब्लू ब्लू ग्रीन, ओहो क्या बात है। में एक छोटी सी बदलाव आई, हम लोग सोचे कि घर जाएंगे, मतलब वो कार लेंगे, हालांकि उसमें बहुत टाइम नहीं लगता और थोड़ा सा बस जो है टाइम डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, यू नो अगर बाइक से आए, क्योंकि आप देखें हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी रफा रफ चल के आगे बढ़ रहे हैं। बस एक वो वाली चीज़ के लिए जो है वी थॉट कि बाइक से ही चलते हैं, और हार्ले से, अच्छा नहीं हार्ले से इससे पहले भी गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं, आई थिंक बारिश होगी जो गए थे रिकॉर्ड करने, हाँ तो ये हार्ले से दूसरी बार मैं जा रहा हूँ गाना रिकॉर्डिंग करने। सामने एक रिक्शा दिख रही है हमें जहाँ पे कि ओम लिखा हुआ, क्या बात, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई अपने हेलमेट का जो है वो वाइज़र इतना ज़्यादा गंदा है ना, क्या बोलो, सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर लेके साफ़ करना होगा। चलो बाबा। सो बेसिकली सैनिटाइज कर रहे हैं ऐसे टिश्यू लगा के, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। सो ऑलराइट गाइस, ये वो रास्ता है जिधर हम कभी यू नो ट्यूशन लेने आया करते थे, मतलब वो भी क्या दिन थे, काफ़ी वक्त के बाद आया रिकॉलिंग द मेमोरीज। मैं बस से आता था प्राइवेट ट्यूशंस लेने के लिए यहाँ पे एक दो जगह में, नाइस मेमोरीज। अब तो 4 साल पहले जब तुझसे मिलकर बावरा के रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, तब ऐसा कोई सीन नहीं था, कुछ शेड वगैरह कुछ भी नहीं लगा था। गीत ऑडियो क्राफ्ट इधर से, इधर ये वाला बंद, अच्छा तो इस वक्त 4 साल पहले ये सब कुछ भी नहीं था, अभी तो काफ़ी कुछ बन गया एकदम। थैंक यू जानवी फॉर बीइंग हियर एंड क्रिएटिंग मेमोरी फॉर एवर। बारिश होगी का तो डिलीट हो गया था मेरे से गलती से, इस बार नहीं होगा, एक गलती हम लोग दो बार नहीं करते। मैंने शूटिंग बहुत अच्छे से किया। कोई नहीं। 4 साल पहले जब आया था और 3 साल पहले जब आया था, पहला रिकॉर्डिंग था कृष्णा बेहरा के साथ, मी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट। दूसरी बार जब आया था तो अन्वेषा के साथ था रिकॉर्डिंग, that was also as a music director and lyricist. इस बार जो आया हूँ ये it is just as a singer, you know, and just the music arrangement में एक हिस्सा बोल सकते हैं, direction बोल सकते हैं पापुदा के साथ।
और ये लिखा हुआ भी प्राचीन काल से है, नमस्कर्था मंत्र है, और इसको कंपोज भी मतलब प्राचीन काल से ही जैसे शंकराचार्य लोगों ने गाया है और जैसे वो बना हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही है, तो ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं गया। सो एन्जॉय द व्लॉग वाला सेशन। मोस्टली व्लॉग अभी क्या जाह्नवी को दोनों चीज़ संभालना है, अभी मैं आई विल बी इन द रिकॉर्डिंग वाला थिंग। मैं देखो ये इसलिए पहन लिया हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे वेरी वार्म। और ये देखो चाय भी अपना, क्या बात है, ब्लैक टी है ना, ये ब्लैक टी फ्रॉम असम। अच्छा हाँ, ब्लैक टी फ्रॉम असम, क्या बात है। सो चीयर्स। एंड अभी जाह्नवी दोनों हाथ से कैसे कैमरा चलाएगी वो देखना, मतलब दुर्गा माँ की तरह ऐसे, क्योंकि एक तरफ ये ना। हाँ तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे आप बाएं हाथ से रख के इधर लाओ, एक हाथ से ऑन ऑफ करना है उस वक्त, हाँ ऑन कर दूंगी, फिर उसको हाँ, फिर उसको हाँ, फिर उसको ऐसा रख सकते हैं। मीट आर इंजीनियर ऑफ द डे सर, आपका नाम मून। मून, अरे क्या बात, मून मतलब चंद्रमा ना, वही ना सर, क्या बात। सर आपका नाम प्रणव। प्रणव, तो प्रणव जी हैं ये, सो ही मैनेजेस द गीत ऑडियोक्राफ्ट, एंड इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, एंड बाकी सब तो बढ़िया है, जस्ट वेटिंग फॉर द सेशन फाइल। एक्चुअली मैंने भेजा था, लेकिन वो मैंने पापुदा ने जो मुझे मेल किया था ट्रैक वो भेज दिया था, तो रिक्वेस्ट नहीं मिला था इन लोगों, अदरवाइज सेशन एडिड रहता। ये 5 मिनट वाला थोड़ा जो है ये डिले वाला चीज़ हो गया। आपने मुझे एक मैसेज या कॉल नहीं किया था ना शायद? मैंने मैसेज किया था आपको। अच्छा ओके ओके ओके, कॉल भी किया था लेकिन कॉल, अच्छा क्योंकि मैं बाइक में। ओके ओके ओके, हाँ U87 का। ओके दिस इज नॉर्मन ब्रांड का U87 माइक्रोफोन। माउंटिंग देखो क्या अद्भुत तरीके से हुआ, स्टूडियो मेकिंग केबलिंग एक वक्त पे दिखाएंगे जब खुद का स्टूडियो बनाएंगे और डिटेलिंग, खुद का मतलब महादेव का। सो चीयर्स, आनंद आने वाला है, अद्भुत। ये तो दे हैव दिस, हां हां दे हैव इट, वो भी स्क्रीन इसमें डिस्प्ले कर देंगे। सो हियर गोज द हेडफोन, हियर गोज द माइक। शिवोम को कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद टेक लेते हैं। एक बार फिर से सर, रुद्राय के बाद लेते हैं। और इसका वॉल्यूम एकदम कम ही। ईश्वराय महादेवाय ब्रह्मकाय त्रिपुराय पशुपतये नमो नमः, अधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिव प्रचोदयात्। तो ये एक सेकंड सर, हाथ हटेगा। तो ये माउस को मैं 4 साल पहले देखा था, ये 4 साल पहले भी ऐसा ही था, और ये फिक्स्ड माउस रहता है। हाँ तो और भाई इनका बस ये घूमता है और यहाँ पे बटन है, ये भी एप्पल का ही है ना, बराबर अद्भुत। सर कितना साल नहीं, हो गया? नहीं, स्टेनबर्ग का है सर। स्टेनबर्ग का, अच्छा कितना साल हो गया सर इसको टोटल? 10 से है। हाँ 10 साल, 10 साल पर। ओह माय गॉड, इनसेन। ये चीज बेस्ट है, गुल्ली घुमाओ हाथ स्थिर रखो। तो नॉट टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग सेशन डन, ये मेरे अब तक के जिंदगी का सबसे मतलब ज़्यादा समय लगने वाला ट्रैक है अभी तक का हुआ। नहीं, 16 से भरा मतलब में सूरज जगन जी ने इसे भी ज़्यादा लिया था। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 3 लेयर ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड किया, लोअर ऑक्टिव, मिड ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव। तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई 3 ऑक्टिव गा पा रहे हैं, अच्छा साउंड कर रहा है। होपफुली लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। एंड बाय द वे दिस स्टूडियो इज जो है, ये स्टूडियो आशा भोसले जी का प्रिय है, अपना महेश भट जी भी यहाँ पे काम करते हैं। तीसरे कौन हो गए, साजिद वजिद जी का ये करते थे, अभी सर साजिद जी करेंगे।
और अपना उसके बाद कौन होंगे, कृष्णा भैया का ये फिक्स जगह है, फिक्स जगह मतलब वो यहीं पे करते हैं और हमारा तो यहीं से मतलब करियर शुरुआत हुआ है, तो अभी क्या बोले, मतलब दिस प्लेस विल बी लाइक ऑलवेज एन अमेजिंग एंड यू नो मैजिकल प्लेस, सो हैव अ लुक अराउंड द स्टूडियो। ओम नमः शिवाय, काफ़ी अच्छा ट्रैक, कैसा साउंड कर रहा है nice. सर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो चीयर्स, अभी सर का भी नंबर लेने का, क्रेडिट्स में देने का ना इनका। नमस्कार, ठीक है अच्छा सर। हाँ हो गया, हाँ हो गया ना, अभी मैं कर देता हूँ स्टूडियो सेशन। जी सर, मैं भी एक टाइम पे मतलब ये था, क्योंकि जब उस जगह पे है वो काम करता है तो और भी। मैंने उनको वही बोला कि इतना बोल सकता हूँ लेकिन वो जैसे प्रोनाउंसिएशन का इतना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि दैट इज नॉट, हम लोग अभी हिंदी गाने में भी क्या कुछ, मैं आई एम नॉट ए हिंदी स्पीकिंग, मतलब हिंदी इज नॉट माई मदर टंग, सो मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ उसमें, क्योंकि मैं जो बोलूंगा शायद गलत होगा, क्योंकि मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ना उससे मालूम हो गया ना आपको। तो टाइम हो रहा है लगभग 8 से भी ज्यादा हो रहा है, तो गीत ऑडियो क्राफ्ट मतलब 3.5 घंटे तक गाए, मजा आ गया। अब आप लोग बस सुनिए और बताइए कैसा लगेगा, रिमेन एक्साइटेड। चलो जानवी, सो ऑलराइट गाइस, अदिति के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट फाइनलाइज हो गया, ये छोटे से टेडी बियर है, मतलब सबसे छोटे अनुपम में ही है, तो अब क्या करें, छोटा वाला ले जा रहे हैं क्योंकि अदिति बहुत बड़ी हो चुकी है, 6 साल की हो गई। बड़ा चाहिए तो फिर इतना बड़ा होगा, 4 फीट का। कितना कहाँ है वो गोडाउन से लाना होगा, अब कहाँ लाएंगे, कितना देर लगे गोडाउन से, कितने का है? 10 मिनट्स में आ जाऊंगा। तो ये देखो, ये बच्चों ऐसा अंगड़ाई लेके लव यू बोल रहा है, चलो बढ़िया। और ये पूरा दुनिया इसमें आ गया, एक ग्लोब भी लिया क्या? एक में दोनों नहीं आ पाएगा ना, नहीं तो भाई एक तो टेडी बेयर और दूसरा पूरा दुनिया, मतलब बच्चे लोग खेलते ज्यादा हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक ग्लोब होना चाहिए जिसमें लोगों को पता चले, बच्चे को स्पेशली, कि विश्व कितना बड़ा है और हम कितने चीटी हैं। दुनिया को ऐसा उंगली पे नचाओ और खुद पढ़ते रहो, ज्ञान इकट्ठा करते रहो। आप ही बच्चे लोग को बोल रहा हूँ, हाँ आप ही को, क्योंकि गिफ्ट ज्यादा हो गया है, ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए जो है रिक्शा से ही आना पड़ रहा, जाना पड़ रहा, ले जाना, नहीं पाऊंगी लेके, गले में टांग टफी को ना एकदम मस्त तरीके से पहले पकड़ लो, टफी को एकदम कोने में ही बांध ही लो पहले, नहीं तो वो उछलेगा, वो गिफ्ट विफ्ट को देख, ट्रफी को बांध लो। ए ब्रूनो आ जा, इसको एकदम पकड़ लो एकदम भाई, आ जाओ, किधर है बर्थडे गर्ल, किधर है, देख लो मेरा चप्पल पहले से रेडी रहता है। थैंक यू विकास, थैंक यू विकास, सो ऑलराइट, हियर द बर्थडे पार्टी इज ऑन, एंड आप देख पा रहे हैं कि हैप्पी भी है और बर्थडे भी है और 3 नीचे, नहीं 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 अभी भी नहीं, और 3-4 चुकुर मुकुर भी, अरे भाई क्या डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन जरूर विकास का नहीं होगा। अद्भुत, तो बस बर्थडे गर्ल के आने का देरी है और थोड़ा सा डुटर डुटर होना जरूरी है, ये देखो, और ये देखो टाफी कितना इंतजार कर रहा है, देखो सबसे पहले उधर ही गया वो, देखो पहले चेक कर लेगा कि है कि नहीं। नाइस, ये भी अच्छा ही लग रहा है ये वाला डेकोरेशन।
हैप्पी बर्थडे आदिति, हैप्पी बर्थडे आदिति, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आदिति, हेलो बेटू, हेलो बेटू, हैप्पी बर्थडे। क्या क्या गिफ्ट मिला बेटा ये तो बताओ, बेटा बता ना बेटा, आप कितने अच्छे लग रहे हो देखो तो। क्या क्या गिफ्ट मिला बेटा, हाँ बेटा क्या क्या गिफ्ट मिली है? मशीन दिखाओ तो, दिखाओ तो, और नया गिफ्ट को भी अनबॉक्स करना है आपके लिए। ये लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, इन लोग को पता चल गया घर में पार्टी चल रहा है। So, ये ये मंगी वाले नीज का जो है ये जल्दी काट, मुझे ये चाहिए। ये बतख वगैरह नॉनवेज तो छोड़ दिए थे हम लोग। क्या बात है, ओ और येल्लो, येल्लो ग्रीन व्हाइट ग्रीन, क्या बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो 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 सुट्टी, अदिति का बर्थडे कभी नहीं भूल पाएंगे हम जीवन में। महादेव का पहला गाना हम 23 सच में यार 23 जनवरी को रिकॉर्ड किए, तो ये हमारे लिए नया जन्म जैसा ही है। सच्ची में मैं हिंदी में पता है 5-6 नंबर लाता था प्रॉपर अपने, और भाई संस्कृत गाना रिकॉर्ड करके आया हूँ। वेरी गुड, चीयर्स, हैप्पी बर्थडे, चलो चीयर्स। मैं तो बोल रहा हूँ फाड़ दो उसको, मार के मतलब फाड़ दो, सॉरी ओ, विल कट द केक। हैप्पी बर्थडे टू यू एडीटी एचबीडी, एडीटी एचबीडी, एचबीडी मतलब हैप्पी बर्थडे, एडीटी एचबीडी, मे गॉड एचबीडी। Listen to the latest trending podcast. What is this attitude, bro? What is this? Kuchur 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 kuchur. Chuk 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 chuk. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you. May God bless you. Happy birthday, bless you. तो बेसिकली विकास, विकास मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला आपने एक बार रिपीट मारो ना प्लीज, क्या क्या बोला एक बार फिर से बोलो ना प्लीज। जिसको पंखा चाहिए ना, हाँ है, जिसको पंखा चाहिए विकास बोल ना, वो डाइनिंग टेबल पे आके बैठेगा क्योंकि यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है क्योंकि हम टफी है इधर, हम दोनों हॉट लोग है इधर, सॉरी सुपर कूल लोग हैं। नहीं वो कुछ तरह कुछ तो कर लिए, हप्पा बड्डा ले पाओगे ये देखो बर्थडे गर्ल अपना बर्थडे लेके चली, ब्रूनो पूछ लाते हुए, क्या बात है बेटा, राइट लीजिए लेफ्ट लीजिए जाइए, अद्भुत। इधर रखोगे क्या बात है, क्या बात है बेटा, सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे, सेम टू यू,
कल से ये सबको सेम टू ही बोल रही है भाई। इधर के बाहर ही खोल के देख, अच्छा इधर ही खोल के देख रहा, ठीक है मतलब बाहर भी खोल सकते था। तो मैं बोल रहा हूँ बाहर खोलते तो सब लोग देखते हैं ना बेटा, अगर खोल रहे तो नहीं तो क्या हुआ, नहीं बोलेगी, मैं बोल दूंगा मम्मी को आ जाओ। क्या हुआ? तो ये डेकोरेशन जो है मतलब काफी अद्भुत तरीके से किया है सुप्ती ने, क्या बात है, बहुत ही सरस। और ये नकली गाछ भी लगा दिया, वाह वाह वाह। और ये लोग कितने, इनका मुंह ऐसा टेढ़ा आड़ा कैसे हो गया जी। और हैप्पी एवर डे, हैप्पी एवरी डे, गजब, क्या बात, अद्भुत अद्भुत। इससे भी बड़ा ले रहे थे तो इन लोगों को ये ग्लोब भी चाहिए था 6 महीने से, और आज ये लोग अनुपम गए थे तो ये भी चाहिए था। मतलब ये जो मन में जो रहता है वो सच हो जाता है भाई, अद्भुत। स्वेटर पहनाया है, स्वेटर उसका बदल भी सकता है। पता है कि हम लोग बहुत दिनों से बड़ा वाला टेडी बेयर, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। अब तो घर में एक और मेंबर हो गया, इनका नाम रखो जल्दी से। क्या नाम है इसका? अदिति रखेगी ना? क्या नाम है जल्दी बताओ उसका? रोरी। रोरी रो रही, अरे हंस रही, बोल दो रोजी। रोजी रोजी। और ये टफी, अभी वो टफी देखा ही नहीं है उसको अभी तक। टफी 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 अभी ठीक है, सुको अभी उसको रहने दो, थोड़ा सा शांत हुआ है। अच्छा सुबह से वो कर रहा है, डिनर से भी खाया है वो। इस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है अदिति का बर्थडे, क्योंकि हम लोगों ने प्री पार्टी कल ही कर लिया है। चीयर्स। सो ऑलराइट गाइस, बेसिकली क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो रहा था, लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो रहा था, जबकि सिर्फ आईफोन में जो मेकिंग क्लिप्स है उसको ऐड कर रहा था, तो लगभग 1/2 घंटे का इसमें। फिर DSLR में है ज़्यादा, DSLR का एक एक्स्ट्रा बैटरी या तो चार्जर हम लोगों को लेके जाना होगा, यू नो, क्योंकि स्पेशली जब 3-3.5 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है। हालांकि इसी गाने में ऐसा हुआ है या फिर शिव जी के गाने में ऐसा, यू नो, हम आराम से यू नो सोच समझ के गाने वाले हैं, यूजुअली इतना समय लगता नहीं है, बट बैटरी डिस्चार्ज हो गया। हालांकि तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मेकिंग वीडियो जो है वो सेपरेट रिलीज़ होगा, वो रिलीज़ होगा आपका क्या बोलते हैं अपना गाना रिलीज हो जाने के बाद मेकिंग वीडियो होगा। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एडिटिंग के लिए या इस बार वीडियो जैसा ही रिलीज करते हैं, या स्टूडियो वर्जन एक रिलीज करेंगे जिसमें कि यू नो वीडियो रहेगा, वैसा कुछ प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग समथिंग समथिंग कुंजुम कुंजुम कुछ कुछ तो सोचम सोचम। और बाय द वे हमारा मूंछ जो है वह वापस हमारे पुराने वाले अवतार में आ रहा है, देख रहे हो? तो यस, आई एम बैक। तो ऐसे भी बाय द वे इसके बाद जो है हम काल भैरव अष्टकम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत ही है। मतलब हमें बाल वगैरह सेट करवाने के लिए भी जाना है, और भाई ये पिंपल का कुछ तो करना होगा। एक्चुअली द थिंग इज़ यू नो हम काफ़ी लापरवाह इंसान है, ना ही फेस फास करते हैं। फेस फास से याद है हमारी माता जी और बहन लोग का कुछ तो कॉमेडी सीन रहता है, पता नहीं क्या है वो फेस फास, फेस फास को हम लोग फेस फास कुछ कुछ तो बोलते हैं, धुंधली धुंधली याद है हमारी। So, alright guys, so basically the thing is, इधर क्या यार रे बावारी, ओके सो बेसिकली अपन के पास कुछ कुछ सामान आगे लाए रे बाबा, तो सामान बेसिकली कल जो रिकॉर्डिंग हुआ उसका। तो यस गाइस, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा बड़ा ब्लॉग हो गया ऐसे भी। तो यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। सो दिस इज द नेक्स्ट डे 24th of January 2021 11:22 PM, और एट द टेम्परेचर इज 30°C। वाओ, इट्स स्मोक। सो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, जो कुछ भी आपको आपकी जिंदगी में चाहिए आप इस चीज को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं।
और अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वो कैन लाइक हेल एंड टर्न इनटू दैट डिजर्विंग पर्सन ट्रस्ट मी दैट यू विल बी रनिंग अ डिजर्विंग पर्सन का जो ट्रूली गिव व्हाट एवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए, जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके यू नो लोगों को मदद कीजिए अपने क्षमता अनुसार। जिंदगी काफ़ी छोटी है, भेदभाव से मुक्त हो जाइए, अपने विकारों से मुक्त हो जाइए, क्योंकि हम सबका मंजिल एक ही है मौत। तो जब तक मौत ना आ जाए तब तक जिंदगी को जिया जाए। एंड यस, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड देन हैशटैग श्रेया शांडिल्य लाइव। कमेंट डाउन बिलो कितने लोगों को छोटा सा भी ग्लिम्स देख के एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लिटरली एक्साइटेड टू यू नो लिसन दिस सॉन्ग। एंड यू नो आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि जितना जल्दी अभी रिलीज हो पाए करना, तो आई थिंक 5-7 दिन लगना चाहिए। या यू नेवर नो, यू नो महादेव का सीन थोड़ा अलग ही होता है। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। एंड मैं बस यही बोलूँगा कि जितने लोग भी इस नमस्कार था मंत्र को सुने, समर्पित हो जाएं और बस शेयर करें। मतलब इसको ऐसे भी पॉजिटिव चीज़ें तो अद्भुत तरीके से शेयर होनी ही चाहिए। तो बस डू शेयर इट लाइक एनीथिंग एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड हैशटैग श्रेया शांडिल्य लाइव। तड़ा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उछाल ही नहीं, ऐसे उठ ही नहीं पा रहा, देखो ना, संभाल ही नहीं। हम लोग इससे भी बड़ा प्लान कर रहे थे लेकिन फिर सोचे नहीं, अदिति के साथ चाइल्ड लेबर हो जाएगा।